तो जैसा मैंने पहले बोला था कि मुझे महाभारत पे लिखने वाले और वीर रस लिखने वाले बहुत पसंद हैं, और इसका कारण यही है क्योंकि मैं भी लिखता हूँ। तो और मैंने बोला था कि महाभारत पे लिखी हुई कुछ आपको कविता सुनाऊंगा। मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है महाभारत पे। आज आपको कविता सुनाने वाला हूँ जो महाभारत के युद्ध का पहला दिन। कविता का नाम है मोहभंग। रिसेंटली लिखी हुई है मैंने, दिल की बोली के स्टेज से मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसको। कि भूमिका सुन लीजिए, बहुत छोटी सी भूमिका है कि महाभारत के युद्ध का पहला दिन है, पांडवों कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं और बीच में अर्जुन का रथ। उसके बाद क्या होता है आप सभी को पता है। अपने शब्दों में उसको बयां करने की छोटा सा प्रयास किया है। कविता का नाम है मोहभंग। एक सदी से जिसकी भूमिका थी बन रही कुटुंब में, एक सदी से जिसकी भूमिका थी बन रही कुटुंब में, लड़ाई शाही तख्त की, हुकूमतों प्रभुत्व की, किसी के स्वाधिकार की, किसी के मान हानि की, धधक रही नयन में सबके आग प्रतिशोध की। असंख्य घोड़े ऊंट कुंजरों के वो समूह साथ पैदलों के गुट बिठाल हाथ में लिए खड़े, असंख्य घोड़े ऊंट कुंजरों के वो समूह साथ पैदलों के गुट बिठाल हाथ में लिए खड़े, रथी महारथी जो युक्त भाल और गदा व अस्त्र शस्त्र से सजे हुए कतार में खड़े हुए। जलधि के है समान जिसका आदि ना ही अंत, वो खड़ी है सैन्य शक्ति आज भूमि कुरुक्षेत्र में। समर के मध्य दिव्य रथ पे चक्षुओं में अश्रु लेके गांडीव कर से छोड़ पार्थ हैं ये सोचते, लिया था जिनसे ज्ञान वो गुरु है सामने खड़े। कुटुंब के सदस्य शत्रु सैन्य दल में जा मिले, भले नियत खराब किंतु भाई है मेरे, भले नियत खराब किंतु भाई है मेरे, जो शत्रुओं की भांति रण में दूजे छोर पर खड़े हुए। नहीं चला सकूंगा इन पे वाण चाहे विश्व मेरा नाम सारे बुजदिलों की श्रेणियों में जोड़ दे, नहीं चला सकूंगा इन पे वाण चाहे विश्व मेरा नाम सारे बुजदिलों की श्रेणियों में जोड़ दे। सिखाया था जिन्होंने ही कमान को संभालना, वो द्रोण जैसे गुरु का रक्तपात कैसे मैं करूं। सिखाया था जिन्होंने ही कमान को संभालना, वो द्रोण जैसे गुरु का रक्तपात कैसे मैं करूं। सिखाया था जिन्होंने ही कमान को संभालना, वो द्रोण जैसे गुरु का रक्तपात कैसे मैं करूं। पितामह जिनकी गोद में बिताया बाल्यकाल, जिनसे सीखी धर्म नीति उन पे वार कैसे मैं करूं। पितामह जिनकी गोद में बिताया बाल्यकाल, जिनसे सीखी धर्म नीति उन पे वार कैसे मैं करूं। अर्जुन को देख शोक में विचारशील भाव में, जो सारथी बने हुए थे कृष्ण उनसे कह रहे, अर्जुन को देख शोक में विचारशील भाव में, जो सारथी बने हुए थे कृष्ण उनसे कह रहे, जो सामने खड़े हुए वो भ्रात तेरे है नहीं, जो सामने खड़े हुए वो भ्रात तेरे है नहीं, जो श्वेत वस्त्र में खड़े वो तात तेरे है नहीं, गुरु जिन्हें समझ रहा वो असलियत में है नहीं, जो लोग सामने खड़े हैं मात्र जीव आत्मा, अलग अलग दिखे अलग शरीर को धरे हुए, अलग अलग दिखे अलग शरीर को धरे हुए। ये आत्मा अमर है सुन ये मृत्यु से भी है परे, ये आत्मा अमर है सुन ये मृत्यु से भी है परे, नहीं मरे ये आत्मा मरे जो वो शरीर है, न आग है जला सके इसे न जल भिगो सके, आग है जला सके इसे न जल भिगो सके, न काट सकती आत्मा को शत्रु की शमशीर है, न काट सकती आत्मा को शत्रु की शमशीर है। जो कह रहा कि परिजनों पे वार ना करेगा तू, जो कह रहा कि परिजनों पे वार ना करेगा तू, गुरु पे लक्ष्य भेदने का पाप ना करेगा तू, न द्रोण ने सिखाया है तुझे यु शस्त्र छोड़ना, न कृप ने ही सिखाया होगा तुझको रण से भागना। जो आज रण से भागने की बात मन में लाएगा, समूचे भरत वंश पर कलंक तू लगाएगा। रगो में तेरी बह रहा वो क्षत्रियों का नीर है, रगों में तेरी बह रहा वो क्षत्रियों का नीर है, न कायरों सी बात कर तू एक शूरवीर है, न कायरों सी बात कर तू एक शूरवीर है, न कायरों सी बात कर तू एक शूरवीर है। नियत में तेरी है लिखा धर्म का आज युद्ध है, नियत में तेरी है लिखा धर्म का आज युद्ध है, जो सामने खड़े तेरे वो धर्म के विरुद्ध हैं। उठा धनुष तू युद्ध कर, अधर्म पर प्रहार कर, तू व्यर्थ सोचता है क्यों तू क्षत्रियों सा कर्म कर, तू व्यर्थ सोचता है क्यों तू क्षत्रियों सा कर्म कर, तू व्यर्थ सोचता है क्यों तू क्षत्रियों सा कर्म कर। न सोच बाद युद्ध के मिलेगा तुझको स्वर्ग या की राज्य मृत्यु लोक का, न सोच बाद युद्ध के मिलेगा तुझको स्वर्ग या की राज्य मृत्यु लोक का। उठा ले गांडीव बस कमान को संभाल तू, नहीं समूचे विश्व में ऐसा वो कोई वीर है, नहीं किसी के पास कोई ऐसा दिव्य अस्त्र है, नहीं किसी के पास कोई ऐसा दिव्य अस्त्र है, जो आज धर्म युद्ध में अर्जुन तुझे हरा सके, न बन सका त्रिलोक में ऐसा वो कोई शस्त्र है। जो हाथ थाम कर मेरा चला है मेरे साथ में, यकीन मुझ पे रख न भूल साथ तेरे कौन है।
जो हाथ थाम कर मेरा, जो हाथ थाम कर मेरा चला है मेरे साथ में, यकीन मुझ पे रख न भूल साथ तेरे कौन है। धर्म की राह चुन लिया तो मृत्यु से भी क्यों डरे, धर्म की राह चुन लिया तो मृत्यु से भी क्यों डरे। न सोच हार जीत तेरा सार थी जो कृष्ण है, न सोच हार जीत तेरा सार थी जो कृष्ण है। समझ सका ना कृष्ण को तू साथ मेरे था सदा, समझ सका ना कृष्ण को तू साथ मेरे था सदा। ये सृष्टि मेरी कल्पना स्वरूप मेरा सर्वदा, मैं सिर्फ कृष्ण हूँ नहीं अनंत मेरे रूप हैं, मैं सिर्फ कृष्ण हूँ नहीं अनंत मेरे रूप हैं। मैं तुझ में तेरे भाइयों में कौरवों में और सुन, जगत के सारे जीव और प्राणियों में व्याप्त हूँ। ये काल का जो चक्र है मुझी से है शुरू हुआ, ये काल का जो चक्र है मुझी से है शुरू हुआ। ये जन्म मृत्यु मोक्ष सारे मेरे ही तो खेल हैं, ये जन्म मृत्यु मोक्ष सारे मेरे ही तो खेल हैं। मैं दिन हूं और रात भी, तिमिर भी मैं प्रकाश भी, मैं दिन हूं और रात भी, तिमिर भी मैं प्रकाश भी, मैं वायु और अग्नि भी, मैं जल भी और अन्न भी, मैं राग द्वेष हार जीत दुख सुख यश कुयश, मैं राग द्वेष हार जीत दुख सुख यश कुयश, मैं पाप और पुण्य भी, मैं पाप और पुण्य भी, मैं स्वर्ग और नरक भी, मैं राग की हूं रागिनी, मैं चांद की हूं चांदनी, मैं चेतना अचेतना जगत की सारी वेदना, भविष्य और भूतकाल मैं ही वर्तमान हूं, जगत की सारी ऊर्जा मैं सूक्ष्म द्रव्यमान हूं, मैं देव से महान हूं, मैं काल के समान हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देव से महान हूं, मैं काल के समान हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। जो देखना चाहे मेरे असल स्वरूप को, अगर मैं कुछ क्षणों को तुझको आज दिव्य दृष्टि दे रहा, जो देखना चाहे मेरे असल स्वरूप को, अगर मैं कुछ क्षणों को तुझको आज दिव्य दृष्टि दे रहा। विराट रूप देखकर अर्जुन चकित भ्रमित हुआ, विराट रूप देखकर अर्जुन चकित भ्रमित हुआ। मैं स्वप्न कोई देखता या वास्तव में आप हैं, दसों दिशाओं में मुझे प्रतीत होते कृष्ण हैं। न ज्ञात था मुझे कि मेरे सारथी मुकुंद हैं, न ज्ञात था मुझे कि मेरे सारथी मुकुंद हैं। जो नेत्र खोल कर किया है मोह भंग आपने, जो नेत्र खोल कर किया है मोह भंग आपने। न सूझ कुछ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं, न सूझ कुछ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं। जो पथ दिखाया आपने उसी पे अब चलूंगा मैं, जो पथ दिखाया आपने उसी पे अब चलूंगा मैं। ये कौरवों के सैन्य दल का नाश अब करूंगा मैं। ये कह के कौंतेय ने प्रणाम कृष्ण को किया, ये कह के कौंतेय ने प्रणाम कृष्ण को किया। किशन से ले आशीष गांडीव को उठा लिया, तो कृष्ण ने भी पांचजन्य शंख को बजा दिया। कुछ इस प्रकार धर्म का वो युद्ध था शुरू हुआ, कुछ इस प्रकार धर्म का वो युद्ध था शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, दैट्स व्हाट आई मीन। थैंक यू सो मच। गिविंग बैक टू माई होस्ट विकास वर्मा। थैंक यू।